दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग भी एम पासबुक की कस्टमर आईडी पता करना चाहते हैं तो आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से आप पीएनबी एम पासबुक की कस्टमर आईडी कैसे पता कर सकते हैं। मतलब कि पंजाब नेशनल बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो उसकी जो कस्टमर आईडी है वो आपको कहाँ से मिलेगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पूरी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्च यूट्यूब चैनल। चलिए सीखते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पीएनबी एम पासबुक में जो कस्टमर आईडी का ऑप्शन आता है उसको अपन कैसे पता कर सकते हैं, या अपन अपने पंजाब नेशनल बैंक की जो कस्टमर आईडी होती है उसको कैसे देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले बताना चाहूँगा इसमें पीएनबी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर कस्टमर आईडी के लिए एक ऑप्शन दिया हुआ होता है जो कि अपन को पता नहीं होती है। या आप किसी भी कारण से अपनी कस्टमर आईडी पता करना चाह रहे हो, या मान लीजिए आप एप्लीकेशन में लॉगिन करना चाह रहे हो, या आप वैसे ही जानना चाह रहे हो कि आपकी जो पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है उसकी आप कस्टमर आईडी देखना चाह रहे हैं, पता करना चाह रहे हैं, कारण कुछ भी हो सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको कस्टमर आईडी कहाँ से मिलेगी। ध्यान दीजिए, आपको बताना चाहूँगा जो भी आपकी पंजाब नेशनल बैंक मतलब कि पीएनबी की जो पासबुक होती है उस पासबुक को आपको खोलना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी पासबुक का एक फ़ोटो ले रखा है, मैं उस फ़ोटो को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने अपने पंजाब नेशनल बैंक की पासबुक का फ़ोटो ले लिया है, मैं उस फ़ोटो को ओपन करूंगा और आपको बताऊंगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो आप देख पाएंगे आपकी जो पंजाब नेशनल बैंक की जो पासबुक होती है तो यहाँ आपके अकाउंट की सारी डिटेल मेंशन होती है। हालांकि मैंने स्क्रीन को थोड़ा ब्लर कर दिया है, आपको बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ आप एक चीज़ देख पाएंगे, यहाँ आपका अकाउंट नंबर लिखा हुआ होता है उसके ऊपर आपको एक चीज़ देखने को मिलती है कस्टमर नंबर। ये देखिए, ये वाला दिख रहा होगा आपको, कौन से देखिएगा कस्टमर नंबर आपको देखने को मिल रहा है। देखिए कौन से, ये लिखा हुआ कस्टमर नंबर, फिर से दिखाना चाहूँगा। देखिए ये देखिए, ये लिखा हुआ कस्टमर नंबर अकाउंट नंबर के ऊपर, यहाँ देखिए लिखा कस्टमर नंबर। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है, जैसे मान लीजिए अगर आपका पहले से ही पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट था तो आपकी जो कस्टमर आईडी होगी जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा नंबर वही की वही रहेगी, ठीक है, जो आपकी पासबुक में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जैसे मान लीजिए अगर आपने ओरिएंटल बैंक में या कोई दूसरी बैंक में जो बैंक के अकाउंट बनवाया है और जो बैंक के पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो गई है, मतलब कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरा जो अकाउंट था वो पहले ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में था लेकिन अब ओरिएंटल बैंक जो है पंजाब नेशनल बैंक में कन्वर्ट हो गई है, तो उस कंडीशन में होगा क्या। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिए, जो आपकी एम पासबुक है जो आपकी है मतलब कि आपके पंजाब नेशनल बैंक की पासबुक है उसमें जो आपको कस्टमर नंबर देखने को मिल रहा है उसके आगे आपको अपने बैंक का पहला नाम लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि भाई जो मेरा बैंक में जो अकाउंट था वो ओरिएंटल बैंक में था, तो मेरी जो कस्टमर आईडी होगी पहले को दिखाना चाहूँगा। देखिए इसमें लिखा हुआ कस्टमर नंबर, तो यहाँ लिखा है 07222269 लिखा हुआ, ठीक है। तो इसके आगे दोस्तों बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैं अपना जो ओ जोड़ दूँगा मतलब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, तो यहाँ पर अपन ओ जोड़ देंगे। अगर फिर किसी दूसरे बैंक में थी जो पंजाब नेशनल बैंक में कन्वर्ट हो गई है तो उसका जो पहला नाम है उस बैंक का वो आपको जोड़ना होता है, जैसे यू ओ या जो भी है, उसके बाद सेम का सेम आपको ये नंबर डाल देना होता है, तो ये आपकी पंजाब नेशनल बैंक की कस्टमर आईडी हो जाती है। चलिए अब इसको अपन एप्लीकेशन में डाल के देखते हैं और पता करते हैं कस्टमर आईडी अपनी काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो फॉर एग्जांपल बताना चाहूँगा, देखिए अपन अपना एम पासबुक को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर मैं लिखूँगा देखिए ओ, मतलब जो मेरा अकाउंट है पहले ओ था ओरिएंटल बैंक में, ओ मैंने लिख दिया, ओ लिख थोड़ी कैपिटल लिखना, मतलब जो कैपिटल अच्छा होता है वो कैपिटल लिखना होगा, छोटे लिखना बड़े लिखना है, तो मैं ओ लिखूँगा। ओ के बाद देखेंगे अपन क्या है, दिखाना चाहूँगा 7 4 2 है, ठीक है। देखिए 7 4 2 मैंने लिखा, ठीक है। उसके बाद बताना चाहूँगा, देखिए सिंपल, उसके बाद है 669, ठीक है। तो यहाँ पे अपन 669 एक बार कंफर्म कर लेंगे, पूरा अपने देख लिया कंफर्म है। उसका सिंपल ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप देख पाएंगे आई एक्सेप्ट लिखा हुआ है, ये वाला अपन आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंपल प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोसेस होगा आप देखिए यहाँ पे, आप तो दोस्तों आपके सामने ऐसा मैसेज आएगा। अब बताना चाहूँगा, सिंपल ध्यान दीजिए, आपके जो बैंक है उसमें जो भी सिम रजिस्टर्ड होगी उस सिम पे आपके पास एक मैसेज गया होगा पंजाब नेशनल बैंक की साइड से, एक ओटीपी गया होगा वन टाइम पासवर्ड, वो पासवर्ड आपको देख के यहाँ पे डालना होगा। चलिए मैं अपना मैसेज को चेक करके यहाँ पे ओटीपी डाल देता हूँ। दोस्तों मैंने अपना ओटीपी देख लिया है और मैं यहाँ पे अपना ओटीपी डालूंगा। ओटीपी डालने का सिंपल ध्यान दीजिए, नीचे लिखा हुआ है प्रोसेस, इस पर क्लिक करना होता है। जैसे ही क्लिक करेंगे लिखा है प्लीज़ वेट, और आप देख पाएंगे यहाँ पे सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ से आपको अपना एम पिन सेट करना होता है और फिर आपको
फिर से एम पिन डालना होता है। अगर आपको पुराना वाला लिखना है तो पुराना वाला भी लिख सकते हैं या नया वाला भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना एम पिन सेट कर देता हूँ। दोस्तों अपना एम पिन डालने के बाद सिंपल ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है सेट एम पिन, इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे लिखा आएगा सक्सेस एम पिन इज सेट सक्सेसफुली, प्लीज़ यूज़ द सेम एम पिन फॉर यूर ये पूरा सब्सक्रिप्शन लॉगिन्स। ये देखिए ले लिया, सिंपल इसको ओके कर दीजिएगा। उसके बाद सिंपल आप अपनी पासबुक को खोल सकते हैं। यहाँ से अपना एम पिन आपको डालना होता है, ये मैंने डाला, वो प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी पासबुक जितने भी आपके लेन देन हैं पूरे आपके मोबाइल में खुल जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपने एम पासबुक में लॉगिन कर सकते हैं और अपनी पंजाब नेशनल बैंक का जो आपका पास जो आपका कस्टमर आईडी उसको पता कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो भी भाई और बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही कई सारी यूट्यूब वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।